दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने यहाँ पे 200 यूनिट का जो लाइट बिल है वो फ्री कर दिया है, और इसका जो फॉर्म कैसे भरा जाता है वो काफ़ी लोग सर्च कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो देखिए, ये वीडियो हिंदी में है और यहाँ पे कन्नड़ में भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा क्योंकि मुझे कन्नड़ नहीं पता है। मैं एक्चुअली कर्नाटक का नहीं हूँ, मैं यूपी का हूँ। सब्सक्राइब कीजिए कुछ नया सीखें चैनल, लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। चलिए मैं आपको आज हिंदी में बताता हूँ, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कर्नाटक में हिंदी वाले भी हैं जो कि हिंदी जानते हैं, उनको कन्नड़ अभी तक नहीं आता है, तो ये वीडियो वो भी देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, आप इस पेज पे आ जाएंगे। आप चाहे तो इसे मोबाइल से भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो कोई बात नहीं, आप उससे भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट को रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे आधार कार्ड मांगा जाएगा। तो आधार कार्ड का आप नंबर, आधार कार्ड अपना पास में रख लीजिए, और उसके बाद में जो करंट बिल है यानी लाइट का जो बिल आता है वो अपने पास रख लीजिए। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे एक चेक मार्क है, इसको आपको चेक करना है। उसके बाद में ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कैप्चा, यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं, और कैप्चा को फिल करने के बाद में यहाँ पे आप एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इस कैप्चा को हम फिल करेंगे और यहाँ पे एग्री करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, तो यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में यहाँ पे गेट डिटेल के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब देखिए, आपका जो आधार कार्ड का जो पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा और आपका जो भी एड्रेस है वगैरह वो सब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे नाम आ चुका है, यहाँ पे मैंने हाइड कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे, अब उसके बाद में नाम के नीचे यहाँ पर सेलेक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो किस कंपनी का है वो यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पे मैं हुबली में हूँ, तो हुबली में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HESCOM, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आप हुबली से हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपने बिल के ऊपर देख सकते हैं क्या नाम है, तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। ये हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद में यहाँ पर इसका जो ID होता है, अब देखिए बिल के ऊपर, यहाँ पर आपके बिल के ऊपर एक अकाउंट ID लिखा होगा या फिर अकाउंट नंबर लिखा होगा, तो यहाँ पे आपको वो डालना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे वो डाल देता हूँ। अब देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल का जो अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे, तो ऑटोमेटिक जो भी उसका होनर है उसका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका एड्रेस आ जाएगा। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप कौन हैं। तो देखिए, यहाँ पे ओनर, अगर आप ओनर हैं तो यहाँ पे आप ओनर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रेंट पर रहते हैं यानी किराए पर रहते हैं, तो यहाँ पर आप यहाँ पर टेनेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, या फिर आप फैमिली मेम्बर हैं तो यहाँ पर आप फैमिली मेम्बर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, तो हम यहाँ पे टेनेंट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ पे गेट OTP के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद में इस नंबर पर आपको एक OTP रिसीव होगा, उसे आपको यहाँ पर नीचे डालना है। OTP आने के बाद यहाँ पे आपको OTP डालना है, और यहाँ पे चेक मार्क लगा के यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पे ओके करना है, और आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे आपका काम पूरा नहीं हुआ है, अब यहाँ पे आपको इसका प्रिंट निकालना है। अगर आप मोबाइल से निकाल सकते हैं तो आप अपने मोबाइल में PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप एक न्यू फॉर्म एप्लीकेशन यहाँ पे अगर भरना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्रिंट भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप नए नए वीडियो ऐसे देखते रहें।
तो यहाँ पे हम इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे और यहाँ पे हमारा जो पीडीएफ है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी एक नाम दे दीजिए और यहाँ पे आप उसे सेव कर लीजिए। यहाँ पे हमने नाम दे दिया गणेश और यहाँ पे हम सेव कर लेंगे इसको। ठीक है, अभी ये आपके डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका पीडीएफ आपके प्रूफ के लिए यहाँ पे सेव हो चुका है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो भी आपके पहचान वाले हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक सीखते रहिए और देखते रहिए कुछ नया सीखें यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।